वृंदावन बिहारी लाल की और सप्तम स्कंद की कथा में महाराज प्रहलाद के दिव्य चरित्र को कहना प्रारंभ किया है। प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं और उनके ऊपर इतनी यातनाएं आईं, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। जीव के जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसका परिवार ही उसका शत्रु क्यों न बन जाए। और उसके प्रमाण के रूप में आप देखो कि प्रहलाद जी महाराज राक्षस वंश में उत्पन्न होने के बाद भी हाथियों से कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, यहां तक बुआ जी होलिका अग्नि में लेकर के प्रवेश कर गईं, लेकिन इतनी सारी परिस्थितियों के बाद भी प्रहलाद जी महाराज का मन अडिग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब जानकी नाथ सहाय तो कौन बिगार करे नर तेरो। जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करने के लिए खड़े हों, फिर संसार का व्यक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय मंगल सोम भृगु सूरज मंगल सोम भृगु बुध और गुरु वर दायक तेरे। सूरज मंगल सोम भृगु सूरज मंगल सोम भृगु बुध और गुरु वर दायक तेरो। राहु के तू के नाही गम्य था, राहु के तू के नाही गम्य था, राहु के तू के नाही गम्य था, संग सनी चर होत उठे रो। जानकी नाथ सहाय करे जब कवन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कवन बिगार करे नर तेरो। जानकी नाथ दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंत्र तेरो। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंत्र तेरो। ताकि सहाय करी करुणा ने, ताकि सहाय करी करुणा ने, बढ़ गए चीर के भार धनेरो। जानकी नाथ
करे सब कौन बिगार करे हो जानकी नाथ सहाय करे सब कौन बिगार करे जितने ग्रह हैं वो सब अनुकूल बन जाते हैं। शनिश्चर जैसे ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कब, जब हरि की कृपा भक्तों के ऊपर होती है, जिसके प्रमाण के रूप में प्रहलाद जी महाराज पूरी पिताजी के साथ साथ सब लगे हैं कि भगवत आराधना से उसका मन हटाकर जगत के प्रपंचों की तरफ मोड़ दिया जाए। लेकिन जिस पर काला रंग चढ़ गया ना, फिर दूसरा रंग उस पर चढ़ने वाला नहीं है। संडामर्क गुरुदेव को कहा कि ले जाकर के कुछ राक्षसी विद्या पढ़ा दो। गुरुजी ने बड़ा प्रयास किया, गुरुजी तो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन उनके यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को प्रहलाद जी ने अपनी विद्या पढ़ा दिया, नारायणी संस्कृति का ज्ञान करा दिया और सारे भगवान का भजन करने लगे। और ऐसा भजन हुआ महाराज की आवाज सुनाई पड़ गई हिरण्यकश्यप को, और कहा था कि हमने भेजा था पढ़ने के लिए, बीमारी तो ठीक हुई नहीं, लगता है और लोगों को इसने बीमार कर दिया। दौड़ कर गया और जाकर के देखा सारे बच्चे कीर्तन कर रहे थे, पकड़ा प्रहलाद जी को पकड़कर और खंभे से बांध करके पूछा, बता तेरा नारायण कहाँ है। हे दुर्विनीत मदांत कुल भेद करादम, हे मदांत आत्मा, अपने कुल को समाप्त करने वाला, जैसे आम में बबूल उत्पन्न हो गया हो, बता तेरा नारायण कहाँ है। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो तो हर जगह है, बस उसको देखने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, इतना बल कहां से आया तेरे पास, इतना बल देने वाला कौन है तुझे। प्रहलाद जी ने कहा, जितना बल दुनिया में है ना, सबको देने वाले मेरे नारायण ही हैं। ना केवलम मे भवतांश्च राजन् सावे बलम बलिनां च परेषां परे वरे अमि स्थिर जंगमं ये ब्रह्मादयो येन वंशं प्रणीतः। पूरी दुनिया को बल देने वाले वो नारायण है और इस खंभे में भी विराजमान है। इतना कहते ही बांध कर उस खंभे में और तलवार निकाल कर जैसे ही खंभे में मारा है तो खंभा गड़गड़ा करके फट गया और नरसिंह भगवान का प्रतिभा। बोलो नरसिंह भगवान जय हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूते सुखिले सुचात्मन। आधा मृग और आधा मनुष्य का रूप धारण करके भगवान का प्राकट्य हुआ है और पकड़ करके हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बैठा कर अपने नाखून से उसके हृदय को विदूर्ण करके अतड़ियों को निकाल कर भगवान ने पहन लिया। इतना क्रोध पहली बार भगवान। लोगों ने कहा, जब स्वामी जी ज्यादा क्रोधित हो ना, तो इनके क्रोध को इनकी पत्नी शांत कर सकती है, लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, लक्ष्मी जी ने बहुत प्रयास किया, ऐसा हुंकार मारा कि थाली वाली फेंक कर वही भाग गई। कहा, आज इतने क्रोधित हैं, इतना क्रोध तो आज के पहले कभी नहीं देखा गया। भगवान कहते हैं, कोई भक्त मेरा अपराध कर दे ये तो मुझे बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध कर दे ये बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। जो अपराध भगत कर करिए राम रोष पावक सोजर। अंत में भगवान
के सामने प्रहलाद जी को ही कर दिया गया। और प्रहलाद जी महाराज को देखकर गदोली में उठा करके महाराज नरसिंह भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे। बेटा, तुम्हारा इतना कोमल शरीर और तुमने इतने कष्ट सहे, मुझे आने में देर हो गई, क्षमा कर देना। कितनी प्रताड़ना तुम्हारे पिता ने तुमको दिया। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि आपकी जो कृपा और करुणा है ना, ऐसी बरसती है कि मुझे कष्ट का अनुभव ही नहीं हुआ। कुछ चाहते हो, कोई इच्छा है? प्रहलाद जी ने कहा, बस एक वरदान दे दो कि जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही जागृत ना हो। लेकिन फिर भी हमारे पिताजी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसे भक्त जिसके कुल खानदान में पैदा हो जाएं, पिता ही नहीं उसकी 21 पीढ़ियां तो स्वतः तर जाया करती हैं, तुम्हें पिता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उनकी मुक्ति तो हो गई। क्योंकि भगवान की कृपा दो प्रकार की, एक सहज कृपा, एक कठोर कृपा। भक्तों पर भगवान सहज कृपा करते हैं और दुष्टों पर भगवान कठोर कृपा करते हैं। भगवान ने ताड़का के ऊपर कठोर कृपा किया और उसको भी मुक्ति प्रदान किया। भगवान के पास एक ही तो अपना धाम ही तो है। भक्त को भी भगवान धाम भेजते हैं और दुष्ट को भी भेजते हैं। एक ही भगवान के पास है, बस भेजने का तरीका अलग अलग है। किसी को माता बनाकर, किसी को भाई बनाकर, किसी को बंधु बनाकर अपने धाम भेजते हैं, तो किसी को शत्रु बनाकर अपने बाणों के द्वारा भगवान अपने धाम को भेजते हैं। आप देखो, सामने से देखकर ताड़का जब भगवान के तरफ दौड़ी तो भगवान ने पहले देखा क्या किया जाए इसके साथ। तो लोगों ने कहा कि प्रभु मार दीजिए। तो कहा, वो तो सब लोग करते हैं, फिर हम परमात्मा हैं और लोगों में अंतर क्या है? मारने का काम तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो मार देते हैं। और तुलसीदास जी महाराज की क्या दिव्य लेखनी है, एक ही चौपाई के दोनों अर्धाली में, एक में भगवान को छत्री सिद्ध कर रहे हैं और दूसरे में परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं। पहली लाइन में क्या किया भगवान ने, दूर से आते हुए ताड़का को भगवान ने देखा और देख करके बाण निकाला, और निकाल कर एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। तो कहा, वो तो सब करते हैं। तो कहा, दूसरा जो करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक बाण से प्राण हर लिया और दूसरा क्या किया, दीन जानते ही निज पद दीना। तो लोगों ने कहा कि अच्छा, जब पुण्य आत्मा को भी वही धाम और पापी को भी वही धाम, तो फायदा क्या है भाई? तो भगवान ने कहा, देखो भाई, सबसे बड़े अपराधी को दो सजा दी जाती है, या तो फांसी या फिर उम्र कैद।
तो हमने भी ताड़का को उम्र कैद दिया है। क्यों? कहा मेरे धाम में जो जाता है ना वो लौट कर नहीं आता। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम। मैंने उसको उम्र कैद दिया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भक्तों ने कहा नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं लगती है। तो भगवान ने कहा इसलिए उसको अपना धाम दे दिया क्योंकि वो दीन है। दीन जान इत्य ही निज पद दीना। और दीन क्यों है? वो राक्षसों के साथ रहती है, संत महात्माओं को खाती है, वो दीन है। तो कहा दीन की परिभाषा ये है कि जिसके सामने भगवान आ जाएं और फिर भी वो भगवान को पहचान न पावे, उससे बड़ा दीन धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, मुकुर नयन अरुमलिन विहीना, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप निरखय किम दीना, राम रूप निरखय किम दीना, करते हैं, एक कठोर कृपा और एक सहज कृपा। भगवान से कोई संबंध ना स्थापित कर पाओ तो शत्रु ही मान लो। शत्रु भी जिसने भगवान को मान लिया उसका भी उद्धार भगवान ने कर दिया। भगवान कहते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव। किस भाव से भजते हो यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कितना भजते हो यह महत्वपूर्ण है। भाई कपड़े पे साबुन मन से लगाओगे तो अच्छे से साफ होगा, और बिना मन के लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो साफ होगा ना। ऐसे ही भगवान का नाम है, मन से लोगे तो ज्यादा फायदा, और बिना मन के भाव से, कुभाव से, प्रभाव से, स्वभाव से, किसी भी परिस्थिति में उनसे आपका जुड़ाव होगा तो मैल रूपी पाप, मोह रूपी अंधकार भी आपके जीवन से जरूर दूर होगा। जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, भगवत आराधना से हमें मुक्त नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान हमको प्रहलाद जी के चरित्र से प्राप्त होता है कि पिता ही जिसका शत्रु बन जाए क्या वो टिक सकता है धरती पर? लेकिन राक्षसी वृत्ति होने के बाद भी प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता के बात को न मानकर और भगवत आराधना के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लिया।